नमस्कार, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिस यूट्यूब चैनल में। मैं राजीव महिंद्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और जैसा कि आप देख रहे हो, स्टैटिक जीके का जादू चलेगा दोस्तों। आज टाइमर के साथ क्वेश्चन लेके आया हूँ, और याद रखना आज का सेशन एकदम ही शानदार होगा। तो पहला काम तो ये कर दो, जल्दी से सेशन को एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करो, और जहाँ तक हो सके जिस मीडियम पे आप ऐड हो, बस एक बार लिंक को कॉपी करो, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। लिंक को मतलब जल्दी से शेयर कर दो, ओके। तो ज़रा देख ले जल्दी से हमारे साथ कौन जुड़े हैं। सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। आरोही बेटा गुड इवनिंग, शैलजा जुनेजा जी गुड इवनिंग, मिलसा जी बेटा गुड इवनिंग, अभिषेक जायसवाल जी गुड इवनिंग, भावना, कृति, मनदीपा, सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार, एक जबरदस्त मोटिवेशन कोट से। क्या पता कोट से हम लोग मोटिवेट हो जाए, ओके। चलिए, कहते हैं आज का कोट बहुत ही सिंपल है, फोकस हार्डवर्क इज द रियल की टू सक्सेस। कुछ नहीं, दो चीजों को फोकस करना है, आपका डेडिकेशन, आपका डेस्टिनेशन, उसी पे बस फोकस और हार्डवर्क, बिल्कुल मंजिल मिलेगी। अगर मंजिल पाना है तो बिल्कुल फोकस हो जाइए। याद रखना सिंसेबल हम लोग को होना है, सिंसियर हो जाना है। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया परसों नहीं किया, ऐसा नहीं, डेली रूटीन फॉलो करना है। और जैसा कि आप देख रहे हो पप्पू दौड़ रहा है, हम लोग का जो पप्पू है वो दौड़ रहा है, ठीक है। ये कब तक दौड़ता है पता है, जब तक इसने कहा है, इसने एक्चुअली पप्पू ने मुझसे कहा है कि सर जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम दौड़ते रहेंगे। तो इसी प्रकार हम सभी लोगों को दौड़ते रहना है जब तक हम लोग को जॉब नहीं मिल जाती। उन सभी को भाई गुड इवनिंग, मन की रात बेटा गुड इवनिंग, कुमाल उसके बाद कुमेल अब्बास जी बेटा लेट्स स्टार्ट, प्रतीक मिश्रा बेटा गुड इवनिंग, मुनिला दास सभी को भाई गुड इवनिंग। तो जल्दी से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने सेशन को जरूर शेयर कर दिया होगा, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग मेरे लिए। जल्दी से बेटा सेशन को एक बार शेयर कर दो, जल्दी से कर दो, देर से मत करना, जल्दी से कर देना, ठीक है। और ये रहा आज का धमाकेदार, आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से, मैं अपने को हाई करूं तो दिखेगा नहीं। और याद रखना आप सभी लोगों को टाइम लिमिट में बेटा आपको आंसर देना है, सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, टाइम स्टार्ट नाउ, 15 सेकंड्स आपके पास है, उसके बाद आपको आंसर आपका वैलिड नहीं होगा। टू एवरीबडी, आपको बताना है मेलघाट एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आपको बताना है जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है इसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सेंटेंस बेटा करेक्ट है। तो पहला कहता है इट इज़ ए पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है भाई, देखते हैं। दूसरा कहता है इट इज़ ए लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण है। तो याद रखना यह दोनों ही बेटा गलत है इसके रिगार्डिंग, यानी आंसर हमारा क्या होगा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे बताओ जरा जल्दी से कि मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से बेटा स्टेट में है, मुझे बताओ जरा जल्दी से। मेलघाट टाइगर रिजर्व मुझे बताओ जरा जल्दी से कौन से स्टेट में है। और बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, एक्चुअली तो बहुत को पिछली सैटरडे की क्लास भी हो नहीं पाई थी, तो बहुत लोगों को थोड़ा टाइम लिमिट बदल गया। मंडे और थर्सडे मैं बता रहा हूँ फिर लोगों को जो आज सेशन में पहली बार जुड़े हैं, मंडे और थर्सडे को मैं मुलाकात करता हूँ इवनिंग में 7:30 पर दोस्तों। और याद रखना जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है बेटा वो अमरावती में है। अब ये तो शायद आपको पता ही होगा क्योंकि GS की क्लास कर रहे हो कि अमरावती कहाँ पर है। याद रखना अमरावती बेटा महाराष्ट्र में है, यानी कि जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और याद रखना मेलघाट वॉज डिक्लेयर ए टाइगर रिजर्व एंड वॉज एमोंग द फर्स्ट 9 टाइगर, ये वैसे 5-9 टाइगर रिजर्व में एक माना जाता है, जिसको याद होगा आपको हमारे देश में एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था टाइगर को बचाने के लिए, तो उसमें इनका भी नाम था, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, टाइम लिमिट में आंसर आपको देना है सभी लोगों को, आप सभी लोगों को बेटा टाइम लिमिट में आंसर देना है। टू एवरीबडी, यार एक बार सभी लोगों को बता दो, सेशन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत दिन बाद आ जाए हूँ ना बेटा। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। साबरमती नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपको बताना है सही है। तो पहला कहता है
कि जो साबरमती नदी है अरावली रेंज में निकलती है, दूसरा कहता है इट फ्लो थ्रू राजस्थान एंड गुजरात, यह राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है, और तीसरा कहता है कि जो साबरमती रिवर है फ्लो इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि साबरमती नदी कच्छ की खाड़ी में बहती है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। तो याद रखना जो पहला और दूसरा है बेटा वो सही है, बिल्कुल याद रखिएगा। यह रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ पर, अरावली रेंज में, और याद रखना यह राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है लेकिन यह कच्छ की खाड़ी में नहीं बहती है। यानी आंसर हमारा क्या होगा, 1 and 2 इज द राइट आंसर टू एवरीबडी। अगला, ओलिव रेडलेस एक प्रकार का टर्टल होता है, कछुआ सुना कछुआ, ओलिव रेडल एक टर्टल होता है। आपको बताना है बेसिकली ये टर्टल्स ये कछुए कहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, टाइम स्टार्ट नाउ, कोशिश करो बेटा कि सभी लोग टाइम लिमिट पे आंसर दे। बेटा निशा बिल्कुल मैं दिख रहा हूँ, कभी कभी मिस्टर इंडिया नहीं हो जाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ना छुपे। बेटा वेरी नाइस, तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश तट पे है ये, उड़ीसा के तट पर है कि महाराष्ट्र के तट पे, मुझे बताओ ये कौन से कोस्टल एरिया में ऐसे टर्टल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा टू एवरीबडी, ये पाया जाता है तीनों, यानी कि आंध्र प्रदेश के तट पर, उड़ीसा के तट पर, और साथ में याद रखना ये महाराष्ट्र के तट पे भी पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत कम ही लोगों का सही हुआ होगा। बेटा कोई सु नहीं सुजीत, अगर सियोर नहीं हो तो यह दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी आप सियोर हो जाओगे, ठीक है। चलो ताबड़तोड़ अगला, वैक्सीन लगातार चल रही है, तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर जी ने, जोनास साल्क जी ने, बैटिंग ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। योर टाइम स्टार्ट नाउ, बेटा कोई सुने अभिषेक ध्यान से, पोलियो का वैक्सीन, कोशिश करिएगा सभी लोग टाइम बेटा लिमिट में ही आंसर देना है सभी लोगों को, तभी तो पता चलेगा रियल में हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। पोलियो का वैक्सीन हमारे विश्व में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया बेटा। चलिए वेरी नाइस, बहुत लोगों ने आंसर दिया, द आंसर इज जोनास साल्क जी ने किया, बिल्कुल सही है। अच्छा जरा देख लेते हैं इन्होंने कब किया, तो जरा समझना, दो प्रकार की वैक्सीन है दोस्तों, एक कहते हैं IPB जिसकी खोज की गई डॉक्टर जोनास साल्क के द्वारा 1955 में, याद रखना पहली बार, और एक दूसरा खोजा गया याद रखना एलाइव अटेन्यूटेड वीकनेट ओरल पोलियो वैक्सीन OPV जो खोजा गया 1961 में पहली दूसरी बार, यानी कि पहली बार कब खोजा गया 1955 में जोनास साल्क के द्वारा, इसलिए ये ज़्यादा सही आंसर माना जाएगा, ठीक है वेरी नाइस। अगला, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है, 2022 में, मैं हिंट दे रहा हूँ, 2022 में होगा कतर, आपको पूछना है आपको बताना है कि 26 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, और टाइम स्टार्ट नाउ जल्दी से। बहुत ही शानदार आज के क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन याद रखना बैंक के एग्जामिनेशन में, SSC CHSA के एग्जामिनेशन में, रेलवे में, CGL में, सब जगह ये आएंगे, आज पूरा ऐसा कलेक्शन है दोस्तों। और अगर यह क्वेश्चन गलत हो गया इसका मतलब स्टैटिक पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट इज वेरी बैड हैबिट। तो याद रखना पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है, तीनों ने कहा हम लोग मिल के करेंगे, यानी कि याद रखना यूनाइटेड 2026 में, याद रखना कैनेडा भी है, उसके बाद मैक्सिको भी है, और अमेरिका, तीनों ने कहा हम लोग मिल के करेंगे। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, कहाँ पर, ज्यूरिक में है, ज्यूरिक बोले तो स्विट्जरलैंड में है, याद होगा ना सभी लोगों को। और याद रखना इंडिया की जो रैंकिंग अभी फीफा फुटबॉल में है वो 104 नंबर पर दोस्तों है, कितने नंबर पर है, 104 नंबर पर। ओके आगे चलते हैं, बहुत ही आसान, अभी हाल ही में अवार्ड दिए गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, आपको ये बताना, कन्फ्यूजन ना होना, ये बड़ा ही पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कितने लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है, और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी, आज कन्फ्यूजन खत्म करूँगा मेरा वादा है।
चलो बताओ, टाइम स्टार्ट ना हो जल्दी से। देवांकर पॉल, जस्ट कूल एंड टेक, डोंट टेक पैनिक, जस्ट फोकस। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत लोग आंसर मार रहे हैं 22 लैंग्वेज, क्योंकि भाषाएं 22 लैंग्वेज है, तो सोच रहे हैं कि आंसर भी तो 22 लैंग्वेज में ही होगा, तो कोई लॉजिक लगा दिया उन्होंने। बट याद रखना आंसर 24 लैंग्वेज में है, ठीक है, जरा समझना। और याद रखना एक्चुअली 20 लैंग्वेज में होती है, साथ में चार एक्स्ट्रा है, याद रखना मलयालम, नेपाली, उड़िया एंड राजस्थानी, यानी कि चारों को मिला दोगे ना तो टोटल याद रखना 24 भाषाओं में साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया जाता है हर क्षेत्र, और क्षेत्र लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, टू एवरीबडी। चलो और याद रखना इस साल करीब बहुत फेमस, जैसे द पॉलिटिकल राइटर मिस्टर एम वीरप्पा मोली जी, उसके बाद बहुत फेमस राइटर अरुंधति सुब्रमण्यम जी, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया इस साल 2020 के साहित्य एकेडमी अवार्ड में, ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड में इस साल 20 लोगों को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, कंफ्यूज मत होना, इनमें से कौन महात्मा, सॉरी महात्मा गांधी जी ने लीड नहीं किया है। यू टाइम स्टार्ट नाउ। यस बेटा सुजीत, गुड। देवांकर पावल जी, टेंशन नहीं लेना, जितनी भी वैकेंसीज आएगी हम लोग बहुत मन से मेहनत करेंगे और हम लोग का सिलेक्शन बिल्कुल बेटा सही होगा, ठीक है। वेरी नाइस। अच्छा सभी लोग कह रहे हैं डी 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 डी, जरा ध्यान से देखो यार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी, जरा सोचो सोचो जरा, जो स्वदेशी मूवमेंट था कपड़ों के लिए, वो सबसे पहले इनिशिएटिव किसने किया था? देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो जरा समझना इसको, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट नाउ नोन एज मेक इन इंडिया, जिसको अभी हम वर्तमान में मेक इन इंडिया के नाम से बेटा जानते हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले याद रखना 7 अगस्त 1905 को की गई थी, जब पता चला था कि बंगाल का विभाजन हो रहा है। और याद रखना बायकॉट मूवमेंट वॉज ऑल्सो लॉन्च अलोंग विथ स्वदेशी मूवमेंट, द मूवमेंट इंक्लूड यूजिंग गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया एंड बर्निंग ब्रिटिश मेड गुड, मतलब हमारे यहाँ की वस्तुओं को यूज करके विदेशी वस्तुओं को जलाने का कार्य स्टार्ट किया गया। बाल गंगाधर तिलक, जरा ध्यान से, बाल गंगाधर तिलक ने इनकरेज किया स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट को आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बेटा राइट आंसर हमारा क्या होगा? यस, राइट आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा सी, स्वदेशी मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। एंड बेटा गुड इवनिंग अकांक्षा यादव, बेटा गुड इवनिंग टू एवरीबडी, गुड इवनिंग बेटा, वेरी नाइस टू एवरीबडी, आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई आप लोगों के साथ। टू एवरीबडी, इवनिंग का क्लास मैं बहुत दिनों से नहीं ले पा रहा था, बट टाइगर बैक बाय 7:30, अब फिर मुलाकात होगी। चलो अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी कि जो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, हम सभी लोगों को पता है, उसके बाद तो इस साल होगा है ना, तो क्योंकि पता होगा जो 2020 में सेंसस होने वाला था वो नहीं हुआ, और वो अब होगा 2021 में, हम सभी को पता है वो भी कैसा होगा, वो होगा डिजिटल सेंसस। कैसा होगा? डिजिटल सेंसस। तो याद रखना जो लास्ट सेंसस हुआ था उसमें जो इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो था ना बेटा, वो याद रखेगा, बड़ा ही उतना भी स्ट्रांग नहीं था, 916 था, ओके, मेल फीमेल का। कहते हैं जो 11वां का जो सेंसस हुआ था ना जनगणना, वो याद रखना 15वीं जनगणना थी सिंस 1871, और कहते हैं
इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उस लास्ट सेंसस में बताया गया था वर्ल्ड की करीब 17.5% पॉपुलेशन सिर्फ याद रखना इंडिया में था। दिस इज कॉल हमारा देश महान है। यस, अगला ध्यान से, लाहौल घाटी किस राज्य में स्थित है? लाहौल घाटी जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? व्हाट इज द राइट आंसर? योर टाइम स्टार्ट नाउ। मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है कि जो भी बेटा सेशन देख रहे हैं वह सेशन को जरूर लाइक करिए और जहां तक हो सके सेशन को पहुंचा दो। यस, मैं वापस आ चुका हूं, लोगों को बता दो 7:30 में मुलाकात होगी अब मंडे और थर्सडे को। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, लाहौल घाटी किस राज्य में स्थित है? और मुझे जरा ये भी बताओ कि हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? मुझे बताओ जरा जल्दी से, हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी मुल्क स्टेट कौन कौन से हैं मुझे ये भी बताओ। हिंट के लिए बगल में नक्शा दिया हुआ है बेटा। वेरी नाइस, हिमाचल प्रदेश ये वही प्रदेश है जहां पर याद रखना 100% गैस। यस सुजीत, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अच्छा रहा, देखो हिमाचल के बगल में कौन है? एक बेटा चाइना, बिल्कुल ठीक है। एक हमारा क्या हो गया? उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक है। एक हमारा लद्दाख हो गया, बिल्कुल ठीक है। एक जम्मू जी हो गए, बिल्कुल ठीक है। एक पंजाब हो गया, बिल्कुल ठीक है। एक चंडीगढ़ हो गया, बिल्कुल ठीक है। और एक हमारा क्या हो गया? हरियाणा का दिल्ली। यानी इतने प्रदेशों से ये प्रदेश घिरा हुआ है। और याद रखना यहीं पर ये बेटा घाटी है जिसका नाम है लाहौल घाटी। याद रखना बेटा यहीं पर ये लाहौल घाटी। याद रखना एक चीज़ और, जो पिन वैली नेशनल पार्क है याद रखना ये भी यहीं पर है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश में। ओके, यानी कि बेटा नमस्ते ममता कुमारी जी, नमस्ते। वेरी नाइस, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, वेरी नाइस। जेके, पंजाब एंड चंडी, वेरी नाइस। प्रिया, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। आरोही, वेरी नाइस। चलो अगला, ये तो बड़ा आईजी क्वेश्चन है और आपको ये बताना है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ द राइट आंसर? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? टू एवरीबडी, जल्दी से याद रखिएगा हमारे देश में बेटा, टू एवरीबडी, सबसे ज़्यादा अगर हाथी पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं कर्नाटका में, उसके बाद केरला में और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। कहते हैं कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर होम टू नियरली 44%, 35% टाइगर और याद रखना 35% लियोपार्ड। यानी पूरे भारत में करीब 31% लियोपार्ड इन तीनों राज्यों में, 35% टाइगर इन्हीं तीनों राज्यों में, करीब 44% एलिफेंट इन्हीं तीनों राज्यों में बेटा पाए जाते हैं, याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, सिडबी की स्थापना कब हुई थी मुझे बताओ जरा जल्दी से और कोशिश करो कि टाइमर के साथ आंसर दो, तभी मज़ा है। अगर टाइमर में आंसर नहीं दिए तो फिर मज़ा नहीं दोस्तों। आन बान और शान की आज लड़ाई होगी दोस्तों। आज पूरे 40 नॉट आउट क्वेश्चन हैं, मुझे देखना है 40 में टाइमर के साथ कितने आपके आंसर आए, जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा याद होगा हमारे देश में छोटे उद्योगों के लिए यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक बैंक बना जिसका हेडक्वार्टर याद रखना लखनऊ में है। कहाँ पर? लखनऊ बोले तो नवाबों के शहर में है। और याद रखना ये कब बना? ये बन गया बेटा 1990 में। इसका एक कौन चेयरमैन है ये आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बता ले जाओगे। ठीक है, शानदार। अगला, यह आज का चैलेंज है मेरा आप सभी लोगों को, इट इज़ माय चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। मुझे देखना है यह क्वेश्चन किसका सही होता है। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? माय क्वेश्चन है द ड्राफ्टिंग कमिटी रूट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। आपको बताना है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने, उन्होंने जो लिखा था हमारा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ना, तो वह कौन से लैंग्वेज उन्होंने इसको लिखा था मुझे बताओ जरा जल्दी से। ये आज का चैलेंज क्वेश्चन है टू एवरीबडी के लिए।
बड़ा वेरी नाइस सुजीत, मोहम्मद हुसैन। एक बार चेक करना, मोहम्मद हुसैन है कि मुस्तफ़ा है, एक बार चेक करना। अच्छा, ममता ने कहा हिंदी, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। अच्छा, बहुत ने बोला इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बहुत शानदार। एक ने कहा बी, अच्छा ठीक है, बीस में कहाँ से होगा, ओनली इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, ए वाले भी ज़्यादा हैं, ये आज का चैलेंज क्वेश्चन है टू एवरीबडी। वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। तो जरा देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखना, इसको सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा गया था। अगला, इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारे देश में 1991 में, याद करो, हर्षद मेहता कांड। तो उस वक्त क्या हुआ था, इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हुई थी, इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हुई थी, इकोनॉमी प्राइवेटाइज हुई थी, या सब हुए थे। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। मुझे बताओ जरा जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द बेटा राइट आंसर, मुझे बताओ जरा जल्दी से बेटा। कुमार अब्बास एक बार मैं चेक कर लूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, बहुत लोगों का सही हुआ, बहुत लोगों का सही हुआ, वेरी गुड। हंसलाल गुर्जर जी, काजल चौहान, अभिषेक जायसवाल, प्रिया यादव, शुभम कुमार, आरोही साहा, रोजी परवेन, बेटा वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर तरीके से पढ़ोगे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। याद है एक मॉडल आया था एलपीजी मॉडल, याद आया है एलपीजी मॉडल, यानी कि एल मतलब लिबरलाइज्ड हुई थी इकोनॉमी, थोड़ा संतुलन बनाया था कि आइए आप भी पैसा लगाइए, आसान कर दिया। उसके बाद प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया गया और अपने पैरों को ओपन किया गया, ग्लोबल रूप में भी हम लोग जाना स्टार्ट कर दिए। दिस इज कॉल्ड एलपीजी मॉडल, जो याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव कमिटी बनी थी 1991 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू एवरीबडी। अगला, इनमें से कौन बेटा सही नहीं है, ध्यान से, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं हुआ है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ बेटा, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव दोनों, इनमें से कौन। तो याद रखना, अगर मैं बोलूँ ना तो अन्नामलई बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल 100% बेटा सही है। याद रखना, डिब्रूगढ़ बिल्कुल सही है, दुधवा नेशनल पार्क बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन जो वेदांत गल है वो याद रखिएगा, केरल में नहीं है यह बेटा, तमिलनाडु में है। सो आंसर हमारा क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। याद रखना, ये अभी एग्जाम में भी आया था, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। अगला, ध्यान से, जंगली गधे किस पशु विहार में पाए जाते हैं, इन विच सेंचुरी नेशनल पार्क द वाइल्ड एस फॉर्म। योर टाइम स्टार्ट नाउ। काजीरंगा, लिटिल रन ऑफ कच्छ में, या गिर जगह पर, या पेरियार। बहुत ही आंसर इजी है टू एवरीबडी। यार एक बार आप लोग जरा सेशन को लाइक करो, शेयर कर दो यार। ओ माई गॉड मोहित जी, लखीमपुर खेरी, वाह सही। लोगों को बता दो कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, अब जाग जाओ, अब सो नहीं, बहुत दिन आराम कर लिए, एक हफ्ता, अब वापस आ गया। अच्छा, काजीरंगा में है। अच्छा, लोग तुक्का मार रहे हैं बहुत ज़्यादा, तुक्का से काम नहीं चलेगा, याद रखना, तुक्का से बेटा काम नहीं चलेगा। अच्छा, बी होगा, ओ माय गॉड, बी सब कह रहे हैं ताबड़तोड़, ओ माय गॉड। देख लेते हैं आंसर क्या होगा, जब आपने कहा तो गलत हो ही नहीं सकता है, आपकी तो लकीर ब्रह्मा की लकीर है। अच्छा, मुझे बता दो जरा जल्दी से, काजीरंगा कहाँ पर, ये तो आसाम में आसान हो गया, गिर गुजरात में हो गया, मुझे बता दो जरा जल्दी से, कच्छ का रन कहाँ है, और मुझे बता दो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है टू एवरीबडी, ध्यान से पढ़ना, योर टाइम स्टार्ट नाउ। हु इज द ऑथर ऑफ बुक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरी, रिलीज बाय
वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति मिस्टर एम वेंकैया नायडू द्वारा जी एक पुस्तक लॉन्च की गई 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। इसके राइटर बेटा कौन है? बराक ओबामा जी हैं, अनुपम खेर जी हैं, सरबजीत सिंह जी हैं, शिवांतु पिल्लई जी हैं या प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं? व्हाट इज द बेटर राइट आंसर? वेरी नाइस बेटा, गुड इवनिंग शुभम। पेरिया बोले तो केरला और गिर बोले तो गुजरात। वेरी नाइस बेटा, बहुत शानदार, वेरी नाइस। इसका बताओ। और हाँ, सभी लोग बेटा सेफ रहिए, घर पे रहिए। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है टू एवरीबॉडी, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा कोविड 19 के निकल रहे हैं। कल संडे को मोर देन 100,000 से ज़्यादा का केस इंडिया में निकला है, तो कृपया थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, नीड हो तभी घर से बाहर निकलिए। ये मेरा बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। बेटा निधि गुप्ता, सिर्फ बफ आप में हो रहा, बाकी कहीं बफिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है? एक बार नेट चेक कर लेना अपना। तो याद रखना, इनके राइटर का नाम है ए शिवानंथु पिल्लई जी। इन्होंने ही लिखा था अब्दुल कलाम के बारे में कि एक मिसाइल मैन की जिंदगी कैसी थी, ठीक है? अगला, किस राज्य सरकार ने थारू जनजातियों के लिए एक योजना की शुरुआत की और कहा कि आपको हम इंश्योरेंस देंगे, हेल्थ कवरेज देंगे 5,00,000 रुपए का? बेटा योर टाइम स्टार्ट नाउ। बेटा कोशिश करो सभी लोग टाइम लिमिट में ही आंसर दें, क्योंकि इसे क्या होगा, आप एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा बेटा। वेरी नाइस बेटा ममता। आसाम, काजीरंगा, गिर गुजरात, पेरियार केरला। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, जबरदस्त बेटा, बहुत ही शानदार बेटा, जबरदस्त। द आंसर इज, याद रखना, उत्तर प्रदेश ने थारू जनजातियों के लिए इस कैंपेन को स्टार्ट किया। ये क्या है जरा ये भी देख लो। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित थारू आदिवासियों के गांव को जोड़ने की एक योजना बनाई। इसमें क्या कहा गया कि जैसे नहीं वो जंगलों की लकड़ियों से घर बनता है, एक झोपड़ी बनती है, इसको हम लोग कहते हैं ना होम स्टे योजना, जिसके तहत उत्तर प्रदेश वन विभाग पर्यटकों को थारू आदिवासियों के प्राकृतिक आवास में रहने का अनुभव प्रदान करेगा। यह झोपड़ियाँ जंगल से एकत्रित घास से बनी हुई होती है, मतलब पूरी तरीके से आपको फीलिंग आएगी बेटा नेचुरल वाला। बेटा कोई सुने कुंदन, लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, बिल्कुल। चलिए अगला, व्हाट वाज द थीम और ह्यूमन राइट्स डे 2020 में जो हम लोगों ने मनाया 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, आप मुझे बताओ जरा जल्दी से इसका बेटा थीम क्या था, जल्दी से बताओ। बेटा वेरी नाइस, नेसा, कुंदन, हंसलाल जी, मनदीपा, शुभम कुमार, उसके बाद आकांक्षा यादव, प्रिया यादव, वेरी नाइस एवरीबडी, वेरी नाइस, आराम कर लिया। और हाँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जिन्होंने RBI का फॉर्म भरा है, मैंने वादा किया था संडे को, मैंने कल क्लास लिया था मैराथन, और जो कमिंग थर्सडे है, आज तारीख कितनी है, आज 5 है ना, यानी कि 5, 6, 7, 8 तारीख को, याद रखना 8/4/2021 को मैं फिर एक सेशन लेके आ रहा हूँ 9 PM पर, जिसमें मैं कवर कराने वाला हूँ, याद रखना, फरवरी और मार्च का सारा, वो इम्पोर्टेंट कहते हैं ना, एक बार लास्ट वज्र बाहर कर दिया जाए, तो याद रखना थर्सडे 8 तारीख को मुलाकात होगी रात में 9 बजे मैराथन के लगातार 3 घंटे के सेशन में, ठीक है? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, इस बार सिलेक्शन लेना है हम सभी लोगों। तो याद रखना इसका थीम क्या था, रिकवर बेटर और स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, यानी कि याद रखना 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है? अगला, कोई ऑप्शन नहीं देंगे, आप लोग मारो। व्हाट वाज द थीम, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, मुझे बताओ जरा 2020 में जो हम लोग ने वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे मनाया उसका थीम क्या था, मुझे बताओ जरा जल्दी से, व्हाट वाज द थीम बेटा? कोई ऑप्शन नहीं देंगे, जल्दी से बताओ मुझे बेटा। आर्य, वेरी नाइस आर्यन सिंह, अगर आप 9th में हैं तो कहते हैं जितना बिल्डिंग का पिलर स्ट्रांग होगा
बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी, अगर जरा सोचो आप अभी से तैयारी करोगे तो जरा सोचो जब आप 10th में जाओगे 11th में जाओगे, जब एलिजिबल हो जाओगे आप MTS के और CHSL के लिए, आप पहले से ही स्ट्रांग रहोगे तो आसान है आपके लिए। तो बताओ मुझे जल्दी से, अरबी भाषा 2020 का थीम क्या था? बेटा कृति गुप्ता जी, सामने देखो लिखा हुआ है ना टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है @RajeevMahendraji, ये वहाँ जुड़ जाओ तो जो भी अपडेट होगा आपको मिलेगा। साथ में इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखना मेरी सारी PDF जो मैं मॉर्निंग में सेशन लेता हूँ 11:30 पर, और अभी दोनों का PDF आपको वहाँ पर बेटा मिल जाएगा, ठीक है। ओके बेटा गुप्ता जी, चलो तो याद रखना अरेबिक लैंग्वेज एकेडमिक, वेरी नाइस, नेसेसिटी और लग्जरी। अच्छा पता है बहुत सारे लैंग्वेज डे हम लोग मनाते हैं हमारे देश में, जरा देखें 18 दिसंबर को मनाते हैं अरेबिक डे, याद रखना 23 अप्रैल याद रखना इंग्लिश में मनाते हैं, 20 अप्रैल मनाते हैं चाइनीज लैंग्वेज डे, 20 मार्च को मनाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज डे, 6 जून को मनाते हैं रसिया लैंग्वेज डे, और याद रखना हमारे देश में मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे दिवस कब, 10 जनवरी को, और जो हमारे देश में खुद का है वो मनाते हैं 14 सितंबर को। ओके टू एवरीबॉडी, ठीक है, ओके चलो अगला, मैं अपने को हाइड कर लूँ जरा। 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो था उसका थीम क्या था मुझे बताओ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जैस बेटा बिल्कुल, अब्दुल कघार जी बिल्कुल, बेटा वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का जो विषय वस्तु है वो क्या है, तो याद रखना इसका आंसर हमारा है बिल्डिंग बैक बेटर टुवार्ड्स ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट COVID-19 वर्ल्ड। बेटा याद रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट COVID-19, याद रखना इस वर्ष की बेटा थीम थी। बहुत ही शानदार, स्वास्थ्य साथी स्कीम कौन से राज्य ने शुरू की, विच स्टेट हैज लॉन्च द स्वास्थ्य साथी स्कीम। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, अगर गलती कर दी तो सोच लेना बेइज्जती है, कुछ नहीं, अगर गलत हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी दोस्त, याद रखना गलती मत करना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वास्थ्य साथी योजना की शुरुआत की दोस्तों, आसाम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड या उत्तराखंड, याद रखना। अच्छा मैंने अभी एक सेशन लिया था उत्तराखंड पे होली स्पेशल, और मैंने पूरा UK कराया था। अभी मैं इस वीक में, अभी मैं बहुत ऐसे राज्य हैं जिनमें मैं राज दर्शन के फॉर्म में सेशन लूँगा, और उस राज्य से जो भी एग्ज़ाम में आएगा मैं पूरा कराऊँगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको जिस राज्य के बारे में पढ़ना है, आप करना क्या मुझे आज वीडियो के बाद, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे दे देना कि सर इस टॉपिक पे, इस स्टेट पे आप पूरा कवर करा दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने खुद से कराया उत्तराखंड, अब आपका जो रिक्वायरमेंट मेरे पास आएगा मैं उस पर लूँगा अगला सेशन, तो आज आप दे देना तो मैं उसको 2-3 दिन में सेशन ले लूँगा, ठीक है। नहीं कुंदन अभी मैं लखनऊ में नहीं आया हूँ, आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। तो आंसर याद रखना ये पश्चिम बंगाल, इसमें ममता दीदी ने कहा है कि आपको हम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देंगे जैसे लाइक आयुष्मान भारत, ठीक है। चलो अगला, कौन से स्टेट ने एक प्रपोज किया है उस स्टेट का 6th नेशनल पार्क, यानी उस स्टेट में पहले से 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई मिलिट्री के कारण, कुछ जंगल बर्बाद हुए, सरकार ने सोचा क्यों ना वहाँ पे उसको बना दिया राष्ट्रीय उद्यान, तो वह स्टेट कौन सा है, और टाइम स्टार्ट नाउ जल्दी से। बेटा कृति गुप्ता जी फिलहाल मैं महिंद्रा से हूँ, बेटा यहाँ नहीं ननक, जिनको भी जो स्टेट कवर करना है, क्योंकि स्टेट से यानी कि याद रखना क्वेश्चन आते हैं,
इस वीडियो के बाद, जैसे वीडियो खत्म होगा आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, सर आई नीड दिस स्टेट, मुझे स्टेट का जीके करवा दीजिए, ये मेरी गारंटी, में पूरा 0 to high करा दूंगा, जिसका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगा। ठीक है, यस बेटा, नाइस, ठीक है, चलो। तो याद रखना आंसर हमारा हो गया आसाम। याद रखना यहां गलती है, यहां दो नहीं, यहां आसाम कर लो, 3 होगा। और याद रखना कुछ फेमस पार्क हैं, जैसे देखो काजीरंगा आसाम में है, डिब्रू आसाम में है, राजीव गांधी, मैं भी आसाम में हूँ, मानस आसाम में है, नमेरी आसाम में, सारे कहां पर है, आसाम में है। अगला, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज ऑर्गेनाइज एनुअली ऑन, कब मनाते हैं, 1967 से इसको हम लोग मना रहे हैं, बाय द इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल, यानी कि 1967 से हम इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाते हैं, आपको बताना है वो कब मनाते हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से। तो याद रखना बेटा, निधि गुप्ता जी यहाँ नहीं, मुझे याद नहीं रहेगा, जब सेशन खत्म होगा ना तो आप बस वीडियो के नीचे मुझे डाल देना, मैं वहां से इकट्ठा कर लूंगा टू एवरीबडी। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा डी, यानी कि 2 दिन पहले ही हम लोग इसको मनाते हैं, 2 अप्रैल को। ठीक है, अगला, जो 2 अप्रैल को हम लोग ने मनाया किया इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, मुझे बताओ उसका थीम क्या था, व्हाट वाज़ द थीम। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से कोशिश करो बेटा, टाइम में ही आंसर दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना टाइम के कुछ नहीं होगा दोस्तों, याद रखना टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, याद रखना टू एवरीबडी। ठीक है, थोड़ा सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, इतना तो कर ही सकते हो, इतनी मेहनत करवा रहे हो तो। तो याद रखना इसका जो थीम था दोस्तों, उसका नाम था द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड, ओहो बड़ा यूनिक था, द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड, शब्दों का संगीत, शब्दों का संगीत, द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड, याद रखना उसका थीम था शब्दों का संगीत दोस्तों। ठीक है, चलो अगला, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी आई है, पता होगा उसमें हमारी जो पोजीशन है वो कितने नंबर पे है, 140 नंबर पे है, वो भी याद होगा आपको। मुझे ये बताओ उस रिपोर्ट में सबसे खराब कंट्री कौन सी है, यानी कि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करती है, उस रिपोर्ट के अनुसार इस साल की रिपोर्ट में कौन सी कंट्री सबसे खराब है, जहां सबसे ज़्यादा डिफरेंस है मेल और फीमेल का, मुझे बताओ जरा जल्दी से। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मुझे साथ में ये भी बताओ कि कौन सी कंट्री टॉप कर रही है, मुझे बताओ जरा जल्दी से कौन सी कंट्री टॉप कर रही है, टू एवरीबडी कौन सी कंट्री टॉप कर रही है, टू एवरीबडी। यस, इंडिया 140 पर है, इंडिया 140 पर है, बिल्कुल याद होगा हम सभी लोगों को, बिल्कुल सही है, इंडिया 140 पर है। और याद रखना 156 में हम 140 पे बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, और जो फिनलैंड है वो टॉप पर है, जो बेटा फिनलैंड है याद रखिएगा वो टॉप पर है। ठीक है, नाइस बेटा, वेरी नाइस, चलो अगला, पहले हमारी राजधानी देश की क्या थी, पश्चिम बंगाल, हम सभी लोगों को पता होगा है ना, आपको बताना है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी, मुझे बताओ जरा जल्दी से। ओके, मॉर्निंग में बताया था प्रिया ना, यस, चलो, यस बेटा, अफगानिस्तान की कैपिटल अफगानी करेंसी अफगानी, और काबुल वहां की कैपिटल, वेरी नाइस बेटा, बहुत शानदार। चलो तो याद रखना दिल्ली जिसको हम लोग कहते हैं ना पाटलिपुत्रा, इंद्रप्रस्थ कहते हैं, उसको आज़ादी मिली थी, बना था कैप्टन 1911 में। अगला, लोकसभा का स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है, ध्यान से, तो होम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, कौन लोकसभा का स्पीकर चुनता है, और मुझे ये बताओ अभी स्पीकर का नाम क्या है जो करंट में है लोकसभा में, योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। हाँ बेटा, फिनलैंड नहीं, आइसलैंड टॉप पे, यस 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 बेटा नदीम, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, एक बार लिंक को शेयर कर दो, गारंटी कम से कम 200 लोग पहुंच जाएंगे, आप लोग अगर चाह जाओगे तो, ये आपके पास डिपेंड करता है टू एवरीबडी।
याद रखना हमारे यहाँ दो सदन हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, ठीक है। लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है इसीलिए उसे कहते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता इसलिए उसको कहते हैं अपर हाउस। लास्ट में कौन हमारा है, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट के यही तीन अंग होते हैं। लोकसभा में जो अभी स्पीकर है वो बीजेपी का ही तो होगा, उनका नाम है ओम बिरला साहब, और पहले क्या थी, सुमित्रा महाजन थी। अभी तक वर्तमान में याद रखना जो टोटल बने स्पीकर वो याद रखना कितने बने हैं दोस्तों, वो 17 ठो बन चुके हैं। यानी अभी कौन है, ओम बिरला साहब जो बने 19 से, ठीक है। और याद रखना उससे पहले क्या था, जो इंदौर की हैं याद रखना सुमित्रा महाजन थी, उसके पहले यूपीए में कौन था तो याद रखना मीरा कुमार थी जो सासाराम जी की थी, ठीक है ना। तो याद रखना दीज आर द, मैंने सारे नहीं बताए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं अभी तक टोटल 17 बेटा बन चुके हैं, ठीक है। और याद रखना ये बने हैं 19 से, ये राजस्थान कोटा से हैं, और याद रखना जब जिसकी सरकार होती है उसी का बनता है, ठीक है। चलो अगला, किस राज्य में सबसे अधिक बंजर भूमि क्षेत्र है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा जो लैंड है वो वेस्ट है, फर्टाइल नहीं है। मुझे बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। किस राज्य में सबसे अधिक बंजर भूमि क्षेत्र है, विच स्टेट यूटी हैज द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया, यूपी, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर या बोले तो पंजाब, व्हाट इज द राइट आंसर बेटा। नाइस आरोही, मधुमेह मंडल, नदीम, एवरीबॉडी नाइस, याद रखना जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो अगर मतलब बंजर भूमि है तो जम्मू कश्मीर में ही होगा, ठीक है। अगला, ध्यान से, Who was the first Indian woman to scale the Mount Everest? Mount Everest को फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी, बिछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल या मालावत पूर्णा। मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है जो बचपन में ही पढ़े होगे आप लोग, गलत मत करना, बड़ा आसान है। बेटा फर्स्ट इंडियन है तो बिछेंद्री पाल है, फर्स्ट इंडियन है तो बिछेंद्री पाल है, याद रखना फर्स्ट इंडियन है तो बिछेंद्री पाल है, द आंसर इज ए। अगला, हमारे देश में पहली बार आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे, 1921 में, 1942 में, 1950 में या 1951 में, हमारे देश में पहली बार जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे, टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी नाइस, हमारे देश में सबसे पहली बार कब चुनाव हुए थे, टू एवरीबॉडी बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस टू एवरीबॉडी, वेरी नाइस। तो याद रखना 1951 में हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए थे, यूपी बोर्ड क्लास 9th की हिंदी और इंग्लिश की मास्टर वीडियो अपलोड कीजिए। ओके बेटा अभिषेक जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भावनाओं को बिल्कुल देखा जा रहा है, बिल्कुल श्योर, वेलकम। चलिए, Who was the first Indian astronaut to travel in space? अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा जी थे, रवीश मल्होत्रा जी थे, कल्पना चावला जी थी या शेख मुजफ्फर सुख जी थे, सुकर जी थे, बताओ मुझे जल्दी से। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, इकलौते ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया, जिनका नाम है राकेश शर्मा, याद रखना। इनके बाद अब जो भी नाम सुनते हो ना, चाहे वो सुनीता विलियम्स क्यों ना हो, कल्पना चावला, वो याद रखना इंडियन ओरिजिन तो है बट भारतीय नहीं है, समझना।
हम कहते हैं ना कि इंडियन ओरिजिन है, यानी उनका ओरिजिन इंडिया से तो हुआ था बट वो भारतीय नहीं है। इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने स्पेस में कदम रखा, और यह हम पूरी तरीके से याद रखना, भारतीय हैं जिनका नाम है राकेश शर्मा। जरा डिटेल कुछ पढ़ लेते हैं, समझना ठीक है, जरा कुछ डिटेल बेटा समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। ये एक बहुत पायलट हुआ करते थे जिनका नाम है विंग कमांडर राकेश शर्मा जी, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के ये पायलट थे जिन्होंने, याद रखना, सुएज T-11 3 अप्रैल 1984 को इन्होंने सोवियत इंटरकोसमोस प्रोग्राम के तहत स्पेस में कदम रखा। और याद रखना, ही इज़ द ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल इन स्पेस, ऑल दो देयर हैव बीन अदर एस्ट्रोनॉट, कुछ और भी थे जैसे जिनका बैकग्राउंड तो इंडियन था बट वो भारतीय नहीं थे। ओके, वेरी नाइस बेटा, बहुत ही शानदार। अगला, कौन सा देश दुनिया में यूरोनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा यूरेनियम कौन से कंट्री में है? बताओ, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस? व्हाट इज द बेटा राइट आंसर? बेटा वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा, बेटा इसमें तेरा ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन विश्व में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान या फ्रांस? बेटा तो जरा समझना ध्यान से, टू एवरीबडी, सबसे पहले याद रखना कजाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद याद रखना कनाडा है, उसके बाद याद रखना ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 42% विश्व में अगर कहीं पर है तो कहाँ पर है? वो कजाकिस्तान में है। जो कनाडा है याद रखना वहाँ पर 13% है, और याद रखना जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर 12% है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। ओके, यह क्वेश्चन बेटा बहुत लोगों का गलत हुआ है, बहुत लोगों ने मारा ऑस्ट्रेलिया, बट आंसर क्या है? कजाकिस्तान। यही होता है एग्जामिनेशन में, मैंने इसलिए सबका परसेंटेज भी दे दिया, ठीक है, 42% सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान, देन गो फॉर द कनाडा, देन गो फॉर द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और आज की सेवा यहीं तक, मुझे बताओ सभी लोगों को सेशन कैसा लगा, और मैं सबसे कह रहा हूँ जो भी स्टेट्स पे आप सेशन चाहते हैं, जैसे मैं आपसे ही पूछूंगा, ठीक है, जिस भी स्टेट पे आप सेशन चाहते हो मुझे बताओ इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, यस सर मैं उस पर सेशन लेके आऊँगा, ये मेरी गारंटी टू एवरीबडी। और हाँ, टुमारो जिनको करना है तो कल मैं करा रहा हूँ बैंकिंग रिलेटेड जो न्यूज़, जो पिछले 2 महीनों में जो भी न्यूज़ अपडेट रहा है बैंकिंग का, मैं उस पर कल सेशन लेने वाला हूँ मॉर्निंग 11:30 पर, तो ज़रूर जुड़ना ना भूलें। और हाँ, अगर कुछ भी दुख है, बाधा है, कष्ट है दोस्तों, तो याद रखना मेरा एक ही काम है आपके प्रॉब्लम को डिसॉल्व करना। मैं जब भी देखूंगा, मेरा नेचर होता है, मैं ग्रुप में देखूंगा, जब भी देखूंगा चाहे रात में 12 ही क्यों ना बजो, बट मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। इस ग्रुप में ज्वाइन करिए, कुछ भी डाउट है यहाँ मुझसे पूछिए, मोस्ट वेलकम। इस टीम में बहुत एक्टिव मेंबर हैं जो आपके प्रॉब्लम को जरूर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और जैसा भी लगा आपको सेशन मुझे ज़रूर बताइए टू एवरीबडी, और इसे एक बार ज़रूर लाइक करें और एक बार सेशन करें, सभी लोग इसको क्या करें, कमेंट करें, आपके जो भी मीडियम हो लोगों को बता दीजिए टू एवरीबडी। यस, मंडे और थर्सडे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मंडे थर्सडे को मैं सिर्फ उनके लिए आता हूँ जिनका टारगेट है कि हमको स्टैटिक के किसी भी एग्जामिनेशन में स्कोर बेहतर करना है, ठीक है। और थर्सडे को जो मैं सेशन लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ 2018 से 20 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं स्टैटिक के, मैं उस पर सेशन लेके आ रहा हूँ अगले थर्सडे को। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू टू ऑल। और यस बेटा निशा पांडे जी, बिल्कुल बेटा PDF मिल जाएगा, और PDF कहाँ मिलेगा तो याद रखना, आप टेलीग्राम में सर्च करो @RajeevMahendraji और उस ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, जब भी लगे कि हम ये काम नहीं कर सकते तो बस ये कहना, यस जैसा भी होगा देख लेंगे, टेंशन नहीं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, लाइफ हमेशा पॉजिटिव होगी। और हाँ, कृपया सेफ रहिए और घरों पे रहिए, मेरा हाथ जोड़ के सभी से